हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम IIT जेम 2016 का मैथमेटिक्स का पेपर पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, लेट एफ जो है वो -1 to 1 से इस रेंज में है हमारे पास, ये इसका डोमेन है। बी ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन विद द इंटीग्रल इंटीग्रल है 0 to π एक्स साइन पाई बाई साइन एक्स डी एक्स इज इक्वलेंट टू, और इक्वलेंट किसके ऑप्शन है हमारे पास, π/2 इंटीग्रल है 0 to π एफ साइन एक्स डी एक्स, या π/2 इंटीग्रल जो है 0 to π साइन कोस एक्स डी एक्स, या π/0 to π जो इंटीग्रल है एफ कोस एक्स प्लस पाई इंटीग्रल जो है वो 0 to π एफ साइन एक्स डी एक्स, तो ये किसके इक्वलेंट है ये हमें देखना है। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। लेट हमने एज्यूम कर लिया i बराबर 0 to π एक्स सॉरी एफ जो है साइन एक्स ये है हमारे पास ऑफ डी एक्स, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आई बराबर होगा हमारे पास 0 to π, अगर हम पाई माइनस एक्स कर दें तो इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एफ साइन पाई माइनस एक्स ऑफ डी एक्स ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास 0 to π, ये हो गया पाई माइनस एक्स, और जो एफ साइन पाई बाई माइनस एक्स क्या होता है वो साइन एक्स ही होता है, तो ये एफ साइन एक्स ऑफ टी एक्स ये हो गया हमारे पास फ्रेंड्स। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम इसको पाई एफ साइन एक्स माइनस एक्स 0 to π, और ये हो गया एक्स साइन सॉरी एफ साइन एक्स हो गया, ये हो गया हमारे पास। तो फ्रेंड्स ये जो है वो क्या है, आई है, तो ये हो गया हमारे पास आई बराबर पाई 0 to π एफ साइन एक्स माइनस आई। तो ये आई को हम अगर इस साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2i = π 0 to π एफ साइन एक्स, तो यह हो गया हमारे पास आई बराबर π/2 0 to π एफ साइन एक्स। तो फ्रेंड्स आई बराबर ये आ गया हमारे पास, और ये कहाँ पर है हमारे पास, इससे ऑप्शन जो है ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है इसका।